नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छा समाचार जिसे सुन के आपको गर्व होगा। वो समाचार बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नेपाल में संसद की प्रतिनिधि सभा का विघटन हुआ है और उसके संबंध में बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने कहा है कि आपने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। दोस्तों, हमने दिवाली के समय में एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने ढंग से हमारे समाचार नहीं सुने। हमने दिवाली के समय में ही बता दिया था कि दिसंबर में नेपाल में अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है या नेपाल में बहुत ज्यादा सियासी घमासान होगा। ये हमने दिवाली के समय में आपको बता दिया था। हमने दिवाली के समय में ये भी कहा था कि किसी भी दशा में नेपाल में दोबारा वोटिंग की बात होगी, यानी नेपाल के जो राजनीतिक दल हैं वो दोबारा वोटिंग करवाने की कोशिश करेंगे और अब यही हो गया। ये बात हम आपको 3 महीने 2.5 महीने पहले बता चुके हैं, इसलिए हमने इस पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा कि जो हम आपको पहले बता चुके हैं वही बात दोबारा क्यों बताएं, इसलिए हमने इस पर आपको कुछ नहीं बताया। ये तो आपको पता ही होगा कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद का विघटन कर दिया और ये सिफारिश लेके शीतल निवास में प्रधानमंत्री ओली स्वयं गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 60 घंटे तक विद्या देवी भंडारी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन 60 घंटे बाद उनका जो निर्णय आया उसके आधार पर आने वाले समय में नेपाल में 2 चरण के मतदान होंगे। यानी घुमा फिरा के वही बात आ गई जो हमने दिवाली के समय में आपको बताया था कि नेपाल को वोटिंग की तरफ दोबारा ले जाया जा रहा है, 2 चरण के मतदान होंगे आने वाले समय में। अब इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में स्थिरता फैला रहे हैं राजनीतिक पार्टियां और जनता उनका कुछ नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, जनता उनका बहुत कुछ कर सकती है। भारत का संविधान और नेपाल का संविधान लगभग एक जैसा है, तो जब कोई बहुमत वाला नेता यानी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो कोई भी फैसला लेता है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। वो फैसला चाहे राष्ट्रपति ले, चाहे वो प्रधानमंत्री ले या देश का कोई भी आदमी ले, तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। हालांकि नेपाल के किसी आदमी ने अभी तक प्रतिनिधि सभा का जो विघटन हुआ है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पेश नहीं की है किसी भी नेपाली आदमी ने, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके फैसले को चुनौती दी जा सकती है। यदि आप चाहें तो ये जो प्रतिनिधि सभा का विघटन हुआ है तो इसको चुनौती पेश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सही से साक्ष्य पेश करेंगे, सही वहां पे बात करेंगे, तर्क देंगे, तो प्रतिनिधि सभा का जो विघटन हुआ है वो रुक सकता है। यदि कोई नेपाली चाहे तो इस फैसले को चुनौती दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में और चुनौती देके इस फैसले को रोका जा सकता है। अभी कुछ समय में आप देखेंगे कि नेपाल सर्वोच्च जो अदालत है वो इस पर कुछ ना कुछ फैसला जरूर सुनाएगी, क्योंकि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का मान्य नहीं होगा, अंतिम निर्णय जो है वो सर्वोच्च अदालत का ही मान्य होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि नेपाल का जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये नेताओं की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है। हालांकि पाकिस्तान में भी जो सर्वोच्च अदालत है पाकिस्तान में वो जो है वो सेना के अंडर में काम करती है, और चाइना में जो है सर्वोच्च जो अदालतें हैं वो देश हित में काम करती है। रही भारत और नेपाल की बात, तो यहाँ पे आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आप लोग कहते हैं या हम लोग भारतीय कहते हैं कि हमारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि भारत हो चाहे नेपाल हो, हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं वो नेताओं से ज्यादा भ्रष्ट हैं। चलो थोड़ा न्यायपालिका की ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो कोर्ट है, सर्वोच्च अदालतें हैं, वो सेना के अंडर में काम करती है। जैसे सेना चाहेगी
वैसे ही वहाँ की अदालतें काम करेंगी। भारत का क्या हिसाब है कि भारत हो या नेपाल हो, यहाँ के जो सर्वोच्च अदालतें हैं ये 100% देश हित में काम करती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैं इनको ज्यादा करप्ट मानता हूँ। इसका उदाहरण हम समझाते हैं आपको। देखिए, हम विदेशी मामले में समझाएंगे। जब कोई नेता देश हित में कानून बनाता है तो होता क्या है कि, उदाहरण समझा रहा हूँ आपको, जैसे नेपाल में बात चल रही है कि नेपाल में पेट्रोल निकालेंगे, ठीक है, और चाइना कोशिश भी कर रहा है कि नेपाल में पेट्रोल निकालेंगे। तो यहाँ पे अदालतों के भ्रष्टाचार कब सामने आते हैं कि जैसे चाइना ने नेपाल में पेट्रोल निकाल दिया, उसके बाद जो पेट्रोल कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो नेपाल को तेल बेचती है, वो क्या करेंगी, नेपाल के किसी वकील से या किसी जाने माने आदमी से कोर्ट में चुनौती पेश करेंगी कि ये पेट्रोल अच्छा नहीं है, इससे वाहनों को नुकसान हो रहा है। ये काम कौन करेगा, विदेशी कंपनियां, जिनका पेट्रोल बिकना कुछ कम होगा। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पेट्रोल बिकना कम हो, तो वो विदेशी कंपनियों के कुछ लोग क्या करेंगे, नेपालियों के द्वारा ही उस पेट्रोल को रद्द यानी गलत साबित करवा देंगे और हमारे जजों को भी खरीद लेंगे। तो जब उसके बाद फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो क्या करेगा, उस पेट्रोल को गलत बता देगा, यानी ये साबित कर देगा कि यह पेट्रोल वाहनों के लिए नुकसानदायक है और फिर उस पेट्रोल का उत्पादन कम हो जाएगा। ये काम कौन कराता है, विदेशी ताकतें। वो क्यों कराती है, ताकि उनका पेट्रोल बिकता रहे। हम पेट्रोल का केवल एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं और आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं ये भी हमारे नेताओं की तरह भ्रष्ट हैं। चाइना की न्यायपालिका जो है वो भ्रष्ट बिल्कुल नहीं है और होगी भी तो बहुत कम भ्रष्ट है। अगर वो ज्यादा भ्रष्ट होती तो चाइना इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं करता। किसी भी देश का ग्रोथ यदि करना है तो वहां की जो न्यायपालिकाएं हैं उनको देश हित में काम करना पड़ेगा और विदेशी ताकतों का कहना नहीं मानना पड़ेगा। दोस्तों, टॉपिक चेंज हो रहा है, हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे थे। आप केवल इतना समझें कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं ये भी हमारे नेताओं की तरह भ्रष्ट हैं और नेपाल में जो संसद विघटन हुआ है उसको चुनौती पेश किया जा सकता है और उसे रोका जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे नेपाली लोग कह रहे थे कि जनता भला क्या कर सकती है, जब नेता ही आपस में गलत हो जाए और आपस में ही देश को बेच दे तो जनता क्या कर सकती है। दोस्तों, जनता बहुत कुछ कर सकती है। पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री को भी हटा सकती है, रख सकती है और उनके जो निर्णय लिए गए हैं उनको भी चेंज करवा सकती है। जनता के पास पूरी पावर होती है, यानी सरकार के किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए जो हम समाचार आपको बताने वाले थे वो नहीं बता पाए, लेकिन थोड़ा आपको बताते हैं। अमेरिका में 2021 में रॉकेट इंजीनियरिंग की एक प्रतियोगिता होगी और उसमें इस बार नेपाल को भी चुना गया है। उसमें नेपाल का एक गरुड़ नाम का रॉकेट को चुना गया है। ये जो गरुड़ रॉकेट है ये पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर दूरी पे जा सकता है और इसे काठमांडू पोखरा में पढ़ने वाले विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने तैयार किया है और ये अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इसको पूरा तैयार करने में विद्यार्थियों को लगभग 20 लाख रुपए की जरूरत है। संभवतः ये जून तक ये जो गरुड़ रॉकेट है ये तैयार हो जाएगा और फिर ये अमेरिका में जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट प्रतियोगिता होगी उसमें ये हिस्सा लेने जाएगा और इतिहास में ये पहली बार होगा कि नेपाल रॉकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, अपना खुद का रॉकेट होगा, यानी मेड इन नेपाल, नेपाली बच्चों का अपने हाथों द्वारा बनाया गया रॉकेट। तो ये नेपाल के लिए खुशी की बात है
कि नेपाल को रॉकेट प्रतियोगिता में चुन लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कुछ लंबी हो गई है, कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी यदि हम इसकी पूरी डिटेल, ये जो रॉकेट प्रतियोगिता है इसकी पूरी डिटेल आपको देते हैं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको हमने बहुत संक्षिप्त में बताया है।